डिस्कस करेंगे एलाइड के एग्जाम में पूछे गए एचपी जीके के क्वेश्चंस। ये पार्ट वन होगा। हम एलाइड एग्जाम में आज तक पूछे गए क्वेश्चन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए क्वेश्चंस ही होंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे। ऐसी कोई भी सीरीज मिस ना हो जाए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, फोकस करना भी लेक्चर के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीहान और आप देख रहे हैं एचपी जीके यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर इन द फर्स्ट हिमाचल विधानसभा कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1951-1952 की यहाँ पे बात की गई है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 1951-52 में गठित पहले हिमाचल विधानसभा में नामांकित सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? कितनी थी? दो, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलेंगे, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द हिमाचल विधानसभा कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1967? यानी कि 1967 में हिमाचल विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 60, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलेंगे। आगे तो हमने यहाँ पे कुछ क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन से क्रैश कोर्स स्टार्ट किए गए हैं, क्या एडवांटेज होगा आपको क्रैश कोर्स लेने से। दोस्तों हम हर टॉपिक क्लियर करेंगे, उसके बाद आपसे ऑनलाइन टेस्ट लेंगे डेली रात 9 बजे। करंट अफेयर टेस्ट अलग से लिए जाएंगे, मंथली टेस्ट अलग से लिए जाएंगे। हम आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ, एमसीक्यू नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ये सब कुछ आप क्रैश कोर्स में ले सकते हो। 6 मंथ का कोर्स होगा जिसकी आपको सिर्फ वन टाइम पेमेंट करनी है, ओनली 300 रुपीज। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिए और हमसे शेयर करिए अपनी हर एक क्वेरी। देखते हैं, इन विच बिल्डिंग ऑफ शिमला टाउन डिड एओ ह्यूम कंसीव द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? दोस्तों ये क्वेश्चंस एग्जाम में बनता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बनते हैं। यहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि शिमला शहर की किस इमारत में एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठन की कल्पना करते थे? यहाँ पे क्वेश्चंस की अब बात करेंगे तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो रोटनी महल, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलेंगे, हु ऑर्गेनाइज्ड एट एग्रिटेशन अगेंस्ट द राजा ऑफ मंडी 1909 AD की यहाँ पे बात की गई है। 1909 ईस्वी में मंडी के राजा के खिलाफ किसने आंदोलन किया था? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, शोभा राम, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलेंगे, हु प्रिसाइडेड ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रजा मंडल्स ऑफ हिल स्टेट्स हेल्ड एट जुब्बल ऑन July 13, 1939? यानी कि 13 जुलाई 1939 को जुब्बल में आयोजित राज्यों के प्रजामंडल की सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, भागमल सोठा। आगे चलेंगे, हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई थी दोस्तों, एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज, वहां पे हमने हर एक चीज डिस्कस की थी। आगे चलेंगे, व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन January 26, 1948? क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि 26 जनवरी 1948 को आयोजित अखिल भारतीय राज्य लोगों के सम्मेलन का स्थल क्या था, ठीक है। वेन्यू ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, तो शिमला इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलेंगे, टू विच एरिया ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट डिड ठाकुर करम सिंह चेयरमैन ऑफ HP टेरिटोरियल काउंसिल बिलोंग? यहाँ पे क्वेश्चन क्षेत्रीय परिषद संबंधित है दोस्तों, यानी कि मंडी जिले के किस क्षेत्र में ठाकुर करम सिंह HP के अध्यक्ष थे और यहाँ पे क्षेत्रीय परिषद संबंधित ये क्वेश्चन है, टेरिटोरियल ऑफ काउंसिल बिलोंग, तो चचियोट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलेंगे, वेन वाज HP अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज सेटअप? जैसे कि दोस्तों मैंने आपको क्लियर किया है कि हिमाचल की संस्कृति से रिलेटेड आपको डेफिनेट क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन ये है कि हिमाचल प्रदेश की कला संस्कृति और भाषाओं की एकेडमी की स्थापना कहाँ पे कब हुई थी दोस्तों, तो 1968, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हु इज द ऑथर ऑफ ट्वारिक जुब्बल कोहिस्तान शिमला? तो कौन है दोस्तों इसके लेखक? बिल्कुल सही आंसर होगा, भगवान दास। अच्छे से पढ़िए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको आएंगे। आगे चलेंगे, बोट लांबा कांपा डूम विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन HP? यानी कि बोट लांबा खंपा डूम के बीच कौन HP में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल नहीं है, तो डूम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलेंगे, एज पर 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP हैज द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? हाइएस्ट डेंसिटी की यहाँ पे बात की गई है पॉपुलेशन की, ठीक है, तो हमीरपुर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलेंगे, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP द इंसिडेंस ऑफ क्राइम ड्यूरिंग 2014? क्राइम में सबसे आगे कौन है दोस्तों? कांगड़ा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलेंगे, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज टंगनू रोमाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? तो दोस्तों यहाँ पे यह क्वेश्चन पूछा गया है कि किस क्षेत्र में टंगनू रोमाई जल विद्युत परियोजना है, तो शिमला इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलेंगे, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP
अ साइट हैज बीन आइडेंटिफाइड फॉर सेटिंग अप ए सोलर प्लांट, कि किस जिले में सोलर संयंत्र की जो सेटिंग्स रहती है दोस्तों उसके लिए साइट की पहचान की गई थी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बिलासपुर। इन विच रिवर बेसिन इज सरवारी हाइडल पावर प्रोजेक्ट, यानी कि किस नदी बेसिन में सरवारी जल विद्युत परियोजना है, बिल्कुल सही आंसर होगा ब्यास। आगे चलेंगे, एमंग सुमेश कुर्मी जोगनी रुकटी विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि सुमेश कुर्मी जोगनी रुकटी में कौन सी जल विद्युत परियोजना है, तो रुकटी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलेंगे, अकॉर्डिंग टू 2010-2011 एग्रीकल्चर सेंसस व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग्स इन एचपी, यानी कि 2010-11 के अनुसार एग्रीकल्चर सेंसस की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, कृषि जनगणना की यहाँ पे बात की गई है कि छोटे और सीमांत क्षेत्रों का प्रतिशत कितना है, 87.95, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं, वेयर इज मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब सेटअप इन हिमाचल 2010-2011, यानी कि मोबाइल मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना 10-11 में की गई थी, ठीक है, कहाँ पे की गई थी, ये पालमपुर में की गई थी। आगे चलेंगे, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ स्टेट सब्सिडी फॉर सेटिंग अप पॉली हाउसेस, कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पॉली हाउस स्थापित करने के लिए जो हिमाचल सरकार है कितनी सब्सिडी, कितनी सीमा उसकी है, दोस्तों 85%, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। वेयर इज शीप ब्रीडिंग फार्म इन शिमला, तो कहाँ पे दोस्तों, ज्योरी, यानी कि भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ पे है शिमला में, ज्योरी। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि अब आने वाले एलाइड के जितने भी एग्जाम, आपके 10 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है, तो उससे पहले पहले हम जितने भी एग्जाम में आज तक एलाइड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हम सभी के सर भी वो इंक्लूड करने वाले हैं। और दोस्तों साथ साथ में हम जो MCQ की सीरीज है दोस्तों, वहाँ पे हम डीप डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को वहाँ पे, तो उनको भी आपने जरूर अटेंड करना है, और इन क्वेश्चंस जो एग्जाम से आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको भी आपने जरूर अटेंड करना है, क्योंकि दोनों के दोनों आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।